हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आपने वॉरेन बफेट को सुना होगा कि हम जो आसपास देखते हैं, जो आसपास हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में चीज़ें यूज़ करती है, तो ऐसी ऐसे प्रोडक्ट्स में हमें नज़र रखनी चाहिए क्या, उसके शेयर मार्केट में लिस्ट है या नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि वही ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो मार्केट में लिस्ट होते हैं, अलग नाम से होते हैं, बट वो शेयर मार्केट में लिस्ट होने पर बहुत अच्छा हमें गेन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही कुछ शेयर से रिलेटेड आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो बट बिफोर दैट हम आगे बढ़े वीडियो में, उससे रिलेटेड बातें करें, उसके कुछ फंडामेंटल्स चेक करें, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि एंजल ब्रोकिंग मतलब आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा के दे रहा है। सेबी से रजिस्टर्ड है, और आपको पता ही है आजकल किस तरीके की धांधलीबाजी चलती है। तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड और बहुत पुराने ब्रोकर के थ्रू, काफ़ी सालों पुराना ये एंजल ब्रोकिंग, बहुत ट्रस्टेड आपका डीमैट ब्रोकर है, तो इसके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको फ्री में अकाउंट ओपन होगा। जीरो डिलीवरी चार्जेस है, बहुत ब्यूटीफुल इनका एप्लीकेशन है, जो आपको फिंगर टिप्स पे आपको स्टॉक्स को इजीली ट्रेड भी कर सकते हैं, एज वेल एज डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि इनका कस्टमर जो बेस है, जो इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छे है। तो आप नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे यहाँ पर, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता ही है, घरों में हमारी मदर्स अक्सर कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, जो कि आपने कपड़े धोते हुए देखा होगा, उजाला, एज वेल एज आपने, अगर हम डिश वॉश की बात करें तो आपने प्रिल का नाम सुना होगा, एज वेल एज हम बात करें एक्सो, जिससे हम डिश वॉशर ही है ये। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारी डेली नज़रों के सामने रहते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि इसके भी शेयर मार्केट में लिस्ट है या नहीं है। तो ऐसे ही एक शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है, FMCG से रिलेटेड कंपनी है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रोडक्ट्स। तो देखिए, उजाला उजाला एक वाइटनर होता है, आपने देखा होगा मम्मी अपनी मदर्स को कपड़ों में डालते हुए, जब हम कपड़े साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उस टाइम उजाला की यूज़ किया जाता है। एज वेल एज अगर हम बात करें, और भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट, हैंको, डिश वॉशर है ये भी, सॉरी क्लोथ वॉशर है, एज वेल एज बात करें मिस्टर वाइट, एंड डिटर्जेंट पॉइंट पाउडर है ये सब, मोर लाइट, तो ये इसके ये प्रोडक्ट हो गए। एज वेल एज आपने सुना होगा मैक्सो, आपका जो ये मॉस्किटोज होते हैं उसे भगाने के लिए जो यूज़ होता है, मॉस्किटोज, एज वेल एज आपने मार्गो के सोप यूज़ करे होंगे। अगर बात करें एक्सो की, तो देखिए डिश वॉशर है ये, इसका सोप भी आता है, तो आपने ये, आपकी मदद से ये भी यूज़ करती होंगी। तो ये इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एज वेल एज प्रिल आपने सुना होगा, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, जो कि डिश वॉशर ही है ये भी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कंपनी जो है, क्या नाम है तो बता देना चाहता हूँ, ज्योति लैब्स इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी इस तरीके के ये FMCG प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके, आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर 143 रुपीज़ का ये शेयर है। वन डे का चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, थोड़ा आज पूरी ही मार्केट नीचे गिर गई थी, तो नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखिए, पॉजिटिव दिखाई देगा। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, 134 का, 143 का शेयर है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, 115 का ये शेयर हुआ करता था, और अभी लगभग 143 का है। और अगर एयरटेल डेट की बात करें, तो ये लगभग 162, ये पेंडामिक से पहले था शेयर, और लगभग कितना, 100 रुपीज़ के आसपास, 88 रुपीज़ पर ये नीचे शेयर आया था, और उसके बाद 143 रुपीज़ का शेयर अभी चल रहा है। लगभग 60-70% के रिटर्न्स विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, पेंडामिक के टाइम पे इसने दे दिए हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की कंपनी जो नीचे गिरती है, बट उसी तरीके से ऊपर बढ़ना भी जानती है, तो ऐसी ही कंपनी हमें रिटर्न्स देती है, और ऐसी कंपनी को हमें नज़र में एज वेल एज हमारे पोर्टफोलियो में रखना भी चाहिए।
और अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी इसका काफ़ी बेहतरीन है। ओके 39 रुपीज़ पे यहाँ पर 2017 पे ये कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी, और उसके बाद जो कंपनी भागी है ओके काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं, और कंपनी ने 2 बार आपको बोनस भी दिया है, एक बार स्प्लिट भी हुआ है, और एवरी ईयर ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती आई है, जो कि हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखा जाए 2018 से यहाँ पर हमें गिरावट होती हुई नज़र आई है। ओके 2018 में आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आई थिंक कंपनी ने एक बार बोनस दिया था, इस वजह से यहाँ पर कंपनी में गिरावट नज़र आई थी। बट उसी चली रही थी कंपनी, भागी रही थी, बट पेंडामिक आया, पेंडामिक में गिरावट हो गई, बट कंपनी दोबारा उसी बेस पे दोबारा चलने वाली है, और कंपनी की बहुत सारी पॉजिटिव भी बात है जो कि आगे मैं आप बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम आज का देखें परफॉर्मेंस, तो देखिए 52 वीक लो 85 रुपीज़ था, और लगभग 24 जैन को 52 वीक हाई था 165 रुपीज़ का, जिससे अभी नीचे चल रहा है, और इसे इस पॉइंट पे 165 पे तो बहुत जल्दी ये कंपनी पहुंचने वाली है। लगभग 58% की यहाँ पर डिलीवरीज आज की डेट में उठाती हुई देखी गई है। अगर कंपनीज इंफॉर्मेशन की बात करें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी ने जून में लगभग 5042 मिलियन रुपीज़ ओके सॉरी लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया था, और यहाँ पर सितंबर में देखें यहाँ पर जंप होती हुई नज़र आई है, लगभग 1000 लाख रुपीज़ की यहाँ पर जंप होती हुई हमें नज़र आई है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है, लगभग 62.89% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास ही है अभी, और पब्लिक के पास 37.11, जिसमें से बहुत सारे अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज हम बात करें DIS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड इस कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी ये नज़र आती है। अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखिए 2018 में 1:1 का यहाँ पर बोनस भी कंपनी ने जून में यहाँ पर अनाउंस किया था, एज वेल एज 2018 में यहाँ पर एक डिविडेंड दी भी दिया है, 2019 में 3 रुपये का, 2020 में देखिए दोबारा 3 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड हमें देता हुआ नजर आया। छोटी सी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, और डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन है, और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, जो कि अच्छी कंपनी की पहचान होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 1:1 का डिविडेंड 2018 में एज वेल एज 2012 में 2 बार यहाँ पर बोनस, सॉरी बोनस की बात कर रहा हूँ, 2018 में और 2012 में 1:1 का बोनस यहाँ पर कंपनी नज़र देती देती हुई नज़र आई है। डिविडेंड तो देखिए कंपनी काफ़ी बेहतरीन देती आई है, 600% का, 50% का, 300% का, 300% का, काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड है। स्प्लिट भी एक बार हुआ है यहाँ पर 2008 में, राइट इशू कंपनी अभी तक लाई नहीं है, तो बस कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। ये तो हो गई बात, अब देख लेते हैं कुछ इसके पैरामीटर्स, डेट वगैरह अगर कंपनी के पास है तो कितना है, किस तरीके से है, वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मार्केट कैप है स्मॉल कैप 5336 करोड़ रुपीज़ का। स्मॉल कैप कंपनी का मतलब क्या होता है कि बहुत रिस्की का होता है, भागता है तो बहुत बेहतरीन भागता है, गिरता है तो उसी तरीके से गिरता है, जो कि हम यहाँ के चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर है, देखिए काफ़ी गिराव यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया, गिरावट बढ़ता हुआ नज़र आया, गिरावट ओके, बट वॉलीटिलिटी है, बट क्या बात है कि पॉजिटिविटी इसमें ये है कि हमारा चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी की। एज वेल एज बुक वैल्यू की बात की जाए, तो 23 की बुक वैल्यू है, जो अभी 145 पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें ROCE की, तो 18.15% का है, और PE रेशो 29.7 का है। तो ये तो हो गई बात सारी की सारी यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो ये सेल्स देखिए यहाँ पर आपके सामने है, 2017 में लगभग 409 करोड़ रुपीज़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी लगभग पेंडामिक में मार्च में लगभग 382 करोड़ रुपीज़ का था, जून में 429 रुपीज़ का था, और सितंबर में इस क्वार्टर में Q2 में लगभग 500 करोड़ रुपीज़ का, तो जो कि हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस की बात की जाए, तो एक्सपेंस ऑब्वियसली उसी हिसाब से खर्च भी होते हैं जिस तरीके हिसाब से कंपनी अपना आप सेल्स भी करती है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देख ले, तो जहाँ पर 37 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़ते बढ़ते लगभग अभी 61 करोड़ रुपीज़ का हमें नेट प्रॉफिट नज़र आया है, जो कि पिछले क्वार्टर ओके पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर हम ईयरली बेस पे हम एक प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो सेल्स में आप देख लीजिए, जहाँ पर 2019 में 10-11 साल पहले यहाँ पर 350 करोड़ रुपीज़ की सेल्स थी, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 1700 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गई है। और नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करें, तो 40 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ओके बढ़ते बढ़ते लगभग 180 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हो गया, जो कि कंपनी को बताता है कि कंपनी में किस तरीके का कितना कैलिबर है।
अगर बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन नज़र आते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो 2009 में 3,475 लगभग 345 करोड़ रुपए के रिजर्व्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी 817 करोड़ रुपए के सितंबर में यहाँ पर रिजर्व्स नज़र आते हैं। अगर बोरिंग की बात करें तो कंपनी 2009 में डेट फ्री थी, बट ऑब्वियसली बात है कंपनी छोटी है, ओके, कर्ज लेना पड़ता है अब कंपनी को ग्रो करने के लिए, और कोई कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट कंपनी कर्ज को घटाती है या बढ़ाती ही रहती है, उस चीज़ को मैटर रखता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2017 तक कंपनी 2018 तक कंपनी के पास लगभग 479 करोड़ रुपीज़ का डेट था, जो कि उन्होंने 2019 में कम कर दिया लगभग, अगर बात करें तो आधा कर दिया, और उसके बाद मार्च में थोड़ा सा इन्होंने डेट थोड़ा सा बढ़ गया था 269 करोड़ रुपीज़ का, 270 कह सकते हैं। बट सितंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने लगभग कितना लगभग 60% अपना लोन अपना डेट घटा दिया, और अभी लगभग 80 करोड़ रुपए का यहाँ पर लोन नज़र आता है, मतलब केवल 80 करोड़ रुपए का लोन 269 करोड़ रुपीज़ के लोन से घटता हुआ हमें नज़र आया। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र आता है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बेहतरीन है, 141 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तो 100 करोड़ रुपीज़ का कैश कैश इक्विवेलेंट था, जो कि अभी 110 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे यहाँ पर बैठी हुई है कंपनी। एसेट भी यहाँ पर देखिए आपको बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। ये तो होगी बात सारी बैलेंस शीट से रिलेटेड, और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है, ओके, प्रमोटर्स के पास 62.89% के यहाँ पर शेयर्स प्रमोटर्स के पास ही है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी इनके प्रमोटर्स कौन कौन है, यहाँ पर मल्टी बंच ऑफ पर्सन है जिनके जो प्रमोटर्स हैं इनके। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर नज़र आते हैं, घटते मटते मैनर में यहाँ पर नज़र आते हैं, थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है यहाँ पर, देखिए अच्छे अच्छे फॉरेन इन्वेस्टर्स का नाम हमें नज़र आता है, और लगभग 12 और 13% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर की है। DIS की बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो देखिए 17% लगभग DIS के पास है, जिसमें फ्रैंकलिन बड़े बड़े नाम बताता हूँ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स, रिलायंस, सुंदरम, ICICI लॉम्बार्ड, आदित्य बिरला, UTI, तो ये बड़े बड़े जो ये इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड्स है, जिस मिड कैप फंड्स है, ओके, इन्होंने हिस्सेदारी इस कंपनी में ले रखी है, और पब्लिक के पास लगभग 7.24% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, केवल थोड़ी सी हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सब शेयर बड़े बड़े लोगों ने ले रखे हैं। तो इस कंपनी को हमेशा रिडार पे रखना, यह कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, 145 का शेयर है, 2 बार बोनस भी दे चुकी है, चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, वो नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ हमें साफ नज़र आता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भेज दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।